हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम आपके दोस्त नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ। आज के दिन की शुरुआत अपने ऑफिस से। भाई अभी अपने पास आई हुई हैं 3-4 गाड़ी। एक आया हुआ है बापू का, ये बापू अपना पंजाब से खाली करके आया है। एक गाड़ी आई है अपनी यूपी की भर के, उसको टायर देना था, टायर दे दिया, वो अभी चला जाएगा। और अभी बलबीर बापू की गाड़ी में लगा रहा है जैक, क्योंकि ग्रीस करनी है कछुए में। और अपने मनोज भाई को बुलाया था, अभी गियर क्राउन का आयल चेक करना था ये गाड़ी का। क्या है, क्राउन का आयल ना हल्का हल्का लीक हो रहा था। ये देख, इधर से क्या है, ये बड़ा क्राउन आता है ना आगे वाला, तो इसमें क्या हल्का सा लीक हो रहा था क्राउन, तो उसमें क्या आयल चेक कर लिया। तो अभी आयल थोड़ा सा कम है, वो डाल देंगे। और दूसरा, इसकी ना फैन बेल्ट में आवाज़ आ रही थी गाड़ी की। इसका क्या, आप लोग पूरा काम करवाए थे, हाफ इंजन हुआ था इस गाड़ी का, क्योंकि ये गाड़ी ना गर्म हो रही थी, तो गैसकेट इसका ना जल गया था, तो इसलिए इसका जो टैशनेट उसने नया डाला था, फिर भी उसके फैन बेल्ट में ना आवाज़ आ रही थी। तो अभी मनोज भाई ने चेक किया, उसका क्या है ना हल्का सा प्रॉब्लम था, जो अल्टरनेटर का बोल्ट है वो गिर गया था। तो अभी उसका काम हो गया है, तो बापू ने एक टायर सेट को दिखाना है, तो अभी सेट आए थोड़ी देर में, तो टायर दिखा देंगे। तो बापू टायर लगा के फिर अपना जो ऑफिस पे ऑयल यूज़ करते हैं गेयर का, क्राउन का, वो क्रेस्ट्रॉल यूज़ करते हैं। और इंजन ऑयल, गेयर ऑयल, क्राउन ऑयल, सारा क्रेस्ट्रॉल ही डालते हैं। दूसरा ऑयल हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा क्रेस्ट्रॉल यूज़ करते हैं हम लोग। तो अभी जाना है मैंने रनौली, रनौली में अपनी एक गाड़ी खड़ी है सुरक्षा में, उस गाड़ी का बलबीर ने छटका दिया, पर उठा के क्या फ़ायदा है, फिर पहले आगे तो करता है इसको, छोड़ दिया उसने, नहीं छोड़ा। ग्रीस गन का पाइप जाएगा अंदर, उससे डाल दे, अलग मत कर। तो बीच का जो है ना, जो पीने जा बोर्ड पेट होता है ना, वहाँ ग्रीस नहीं, वहाँ रगड़ मारती है। ओके, नहीं छुट्टा करेगा मैंने। चल अभी करते, मैं जाता हूँ रनौली में, आता हूँ सामान सामून लेके, तब तक हाँ ले आना वहाँ जाना, तो दहेजी है ना तुम, तो फिर उत्थे अजगर की गैर जे खड़े करके समान फाड़ लियो। हाँ तो सेठ जाना, तो उधरों दी भावे सेठ आवे के ना आवे, तो जाना तो उधरों दी, तो फिर नहीं मैं जो आना, तो जे मैं उदों तक आ गया तो फिर मैं लैके आऊँगा समान। ठीक है भाई, अभी मैं जा रहा हूँ रनौली। रनौली अपने क्या 3-4 काम है गाड़ियों के, एक तो जाना है विनू भाई के पास, अपने को 4-5 गाड़ियों के पेपर लेके आने कैलिब्रेशन के, फिर वहाँ से जाना है मेरे को सुरक्षा में अपनी, जो गाड़ी का काम मैं कल करवा रहा था वो गाड़ी क्या है, सुबह से सुरक्षा चली गई, सुरक्षा भी हो गया, सब काम हो गया उसका। अभी ड्राइवर का फोन आ रहा था कि भाई छोटा मोटा काम मेरा बच गया, एक बार आप आके देख लो कहाँ करवाना है। तो एक बार क्या है, वो गाड़ी को जाके पर्सनली चेक भी कर लेते हैं फिर से, और जो काम वो बताता है ड्राइवर वो काम भी करवा देंगे। यार पेपर लेके आने कैलिब्रेशन वाले, कुछ पेपर क्या बाहर भेजने हैं और कुछ पेपर यहाँ पे गाड़ी खड़ी है उसको भी देने हैं। और भाई ये नई गाड़ी के डिक्स भी खुलवा लिए, डिक्स लाद के लेके जा रहा हूँ लेथ वाले के पास। क्या है, ये नई गाड़ी है ना, तो इसके डिक्स अपने को चेक करवाने पड़ते हैं पूरे, क्योंकि कोई भी डिक्स इसका क्या बैंड निकलेगा तो टायर दबाते, और नई गाड़ी का डिक्स बैंड निकलता ही निकलता है, एक दो डिक्स बैंड निकलेगा ही निकलेगा, सारे कभी सही निकलते ही नहीं है। तो एक बार अपने को चेकिंग हो जाएगा, क्योंकि अगर मानो दो डिक्स भी बैंड है तो दो टायर खा गई, जो टायर 1,00,000 किलोमीटर चलना है वो 50,000 किलोमीटर चलेगा, और 50,000 किलोमीटर में ही हमें टायर बदलना पड़ेगा, तो हमारा टायर का नुकसान हो जाएगा। तो इसके चलते हम पहले डिक चेक करा लेंगे, अगर ख़राब निकलेगा तो कंपनी में वापस जाएगा और कंपनी हमें रिप्लेसमेंट करके नया देगी। बट आज तक ऐसा हुआ नहीं कि 16 टायर गाड़ी हो या 14 टायर को, मतलब पूरी गाड़ी में एक दो डिक्स बैंड निकलता ही निकलता है। और ये लिफ्ट एक्सल के टायर हैं, ये आप लोग चेंज कर देंगे, रेडियल के टायर उतार के रख लेंगे, और रेडियल की जगह लिफ्ट एक्सल में सादा टायर लगा के रखते हैं, क्योंकि रेडियल एक तो महंगा आता है, इसको आगे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, और सादा क्या है जो सस्ता टायर आता है, लिफ्ट क्या है 24 घंटे लिफ्ट नीचे लगनी तो है नहीं, भरी में ही लगेगी, तो इसलिए दूसरा ही टायर लगाएंगे इसमें। तो बाकी अपनी गाड़ी रेडी है, बस इसका सुरक्षा भी हो गया है, बस इसका सुरक्षा लेके आना है। और अभी इसके टायर खोलेगा ना, तो आगे वाले टायर खोल लें चारों, आगे के चारों खोल लें, ये डिक्स आएंगे ना वो छोड़ के जाएगा ये वाले डिक्स, तो आगे के चारों खोल लें टायर, बीच में जैक लगा के, और पीछे के बाद में जैक मैं ले आऊँगा एक, अभी आगे वाले में लगाओ जैक, ये आगे वाले दोनों टायर खुलवाओ, आगे से खुलवा के पीछे जाना है, जब ये टायर ये डिक्स आ जाएंगे ना तो इनको आगे फिट करना है, ऐसे पीछे जाते जाना है। चल चौधरी, चौधरी हमारा आगे खड़ा है, क्या हुआ तुझे? बलबीर को बोल दिया है, वो पाऊ की गाड़ी में ग्रीस मार रहा है,
अभी तेरी गाड़ी में आके पानी मार देगा। वो पूछने आया था कि खाली ऐसी पानी मारना है, तो उसको बोल दिया कि ऐसी मारना है। ऐसे ही मारना है, सील लगा है पूरे। हाँ तो बस ऐसी मार देगा। लो भाई हमारा टायर वाला भी आ गया, रिमोट वाला। ये कभी कभी तो जल्दी आ जाता है, कभी कभी ये जमाने बाद आता है। ये गाड़ी को टायर लगाना था, टायर लगा दिया इस गाड़ी को, और ये गाड़ी अभी अपनी चली जाएगी। वो चौधरी अपना खड़ा है, चौधरी हमारा परेशान है। चौधरी को तो अभी डीजल बचता, चौधरी का ऑयल चेंज हो गया, चौधरी बहुत, चौधरी फिल्टर के पीछे चौधरी हाथ धो के पड़ा था। सही बात है साहब। चलो भाई अभी चलते हैं, ये जाते जाते डिक्स छोड़ देंगे दुकान पे, तो ये चेक हो जाएंगे और बाद में वो छोड़ जाएगा। लो भाई बंदे के, अजगर के भाई के पास डिक्स छोड़ दिया। अभी ये डिक्स अपने चेक करेगा और ये अभी चेक करके ऑफिस में छोड़ता जाएगा, और जो ऑफिस में डिक्स होंगे वो लेके आता जाएगा, फिट होते जाएंगे, काम करते जाएंगे। यार इनसे मिलो, देखो मेहमान वो दुकान से इस दुकान पे ट्रांसफर हो गया इसका बंदा। अभी इधर आते सर जींस की पैंट में आदमी, मतलब यहाँ पे आगे आदमी की उन्नति हो जाती है, ऐसा बंदा देख ए खुश है। चल भाई करता जाई, छोड़ के आता जाई। का काम अपनी का कंप्लीट हो गया, सारा काम करवा दिया जो भी था, वेल्डिंग का। रेडियम लगाना था, रेडियम भी लगा दिया। अभी इसका क्या फायर बाटला खराब है, तो वो फायर बाटला क्या बाड़ी से खराब है, इसको नया देना है फायर बाटला। तो अभी इसको बोल दिया, अभी ये नया बाटला ले लेगा, अभी यहाँ से इसको सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर ये गाड़ी अपनी लेके जाएगा। काम इसका खत्म हो गया, ऑफिस जाके सर्विस करवा ली एक बार। हाँ या पूजा पे करवाएगा? हाँ तो पूजा पे जाके करवा ली बस। तो फिर ये पुराना वाला फिर ऑफिस पे क्या करने जाएगा तू? तो बाटला निकाल के बलैरो में पटक दे। तो बाटला भाई बलैरो में रख लेते, बाकी काम तो ख़त्म कर दिया इसका, गाड़ी का पूरा ही काम करवा दिया जी, कोई काम छोड़ा नहीं। जितना ये ड्राइवर बोला अपने को, वेल्डिंग वोल्डिंग काम वाम सारा करवा दिया। अभी यहाँ पे क्या गाड़ी आई थी सुरक्षा के लिए, सुरक्षा भी हो गई है, अभी वो छोड़ देंगे गाड़ी, गाड़ी अपनी चली जाएगी। और सुरक्षा कई लोग अपने को पूछते हैं ना, सुरक्षा की पूरी वीडियो बनाएंगे भाई, एक ब्लॉग पूरा बनाएंगे सुरक्षा का जरूर। बाकी नए नए ब्लॉग देखने के लिए चैनल करो सब्सक्राइब। डिप्राड भी ले लिए, कैलिब्रेशन ले लिए, पूरे ऑफिस के जितनी गाड़ियों के थे सुरेश भाई ने बोला था सारे के सारे ले लेना, मैं सारे ही ले लिया। अभी विनू भाई के पास से चल रहे हैं ऑफिस पे भाई, विनू भाई के पास से जो कैलिब्रेशन लेने थे पेपर में सब पेपर ले लिए। डिप्राड लेनी थी नई गाड़ी की, वो भी ले ली। अभी यहाँ का काम अपना ख़त्म, अभी जा रहा हूँ मैं। की गल करता वहाँ तू, अद्धे ज्यादा हिंदी बोल, अद्धी पंजाबी, ये कोई गल माड़ी है अपनी दस? टायर देने बलबीर हमारे को टायर ही नहीं मिल रहे, अपने पास दुनिया भर के बलबीर अपने पास टायर है, मतलब टायर नहीं मिल रहे, इतने टायर है अपने पास। ऐसा हो सकता है अपने पास टायरों की कमी है? कौन? हाँ तो वो निकालेगा अपने आप। क्या दिखाना है? बाकी वो पड़े हमारे की भाई वाक क्या हालत खराब हो जाती है। इतनी गर्मी पड़ रही है ना, इतनी गर्मी पड़ रही है, तो आदमी करे तो करे क्या करे, इतनी गर्मी पड़ रही है। पर कोई नहीं, अभी थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर मारी। अभी भाई ये अपनी नई वाली गाड़ी का सामान दे दिया है सारा, टायर वायर फिट हो रहे हैं। उस गाड़ी को एक जोड़ी टायर देना था, दे दिए सेठ ने, अभी वो कंप्लीट हो गई, अभी वो गाड़ी अपनी चली जाएगी। बाकी जो काम करवाना था करवा दिया। इसके क्या है, चार डिक्स बैंड निकले, अभी इसके डिक्स आएंगे चेंज होके कंपनी में से। जाओ अंदर से टायर ले लो, बलबीर को बता दिया है, टायर निकाल लो चारों। ठीक है बलबीर, अपने आप काट लूगा ये टायर, अकेले के बस का नहीं है। तू कौन से कटने, तूने सेठ से नहीं पूछा? हाँ तो बस फिर अभी जब खुलवाएगा तब नया डाल ली ना तू। हाँ तो बस फिर यही डाल ली, दो पीछे डालना है ना। हाँ तो रुक जा, या तो ये डाल देंगे, नहीं तो देखते हैं, रुक जा।